सो हेलो 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 गाइस, अस्सलाम वालेकुम, इट्स अली हसन फ्रॉम पाकिस्तान। तो आज मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। जैसे कि वीडियो की टाइटल, वीडियो की डिस्क्रिप्शन और वीडियो के थंबनेल पर देखकर आपको पता चल गया होगा कि आज हम लोग किस टॉपिक पर वीडियो बनाने वाले हैं। तो जी हाँ, आज हम वीडियो बनाने वाले हैं कि किस तरीके से आप लोग आपकी जो PTCL EVO चार्जिंग डिवाइस है उसकी जो बैटरी है उसको सेव कर सकते हैं और बैटरी को लॉन्ग टाइम तक चला सकते हैं। तो वीडियो होने वाली बहुत इंटरेस्टिंग, वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और भाई को सपोर्ट करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। सो दोस्तों, ये हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। तो सबसे पहले हम लोगों ने जाना है अपने क्रोम ब्राउज़र पर। ठीक है दोस्तों, क्रोम ब्राउज़र पर जाना है तो यहाँ पर आप लोगों ने लिखना है, आईपी एड्रेस लिखना है अपनी PTCL EVO चार्जिंग डिवाइस का, जिसका है 192.168.1.1 और क्लिक कर देना है। सिंपली आप लोगों ने क्लिक कर दिया। अब मैं आपको पीसी मोड पे लेके जाता हूँ। ठीक है, पीसी मोड पे हम लोग जाते हैं। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर पासवर्ड सेलेक्ट करना है। पासवर्ड मैंने पहले का सेव किया हुआ है, जो कि आप लोगों का PTCL EVO चार्जिंग डिवाइस है उसके पीछे लिखा हुआ होता है। मैंने यहाँ से लॉगिन कर दिया तो यहाँ पर मेरे सामने बहुत सारा सब कुछ शो हो रहा है। तो मैंने आपको बताना था कि किस तरीके से आप लोग चेक कर सकते हैं या किस तरीके से आप लोग अपनी जो बैटरी है उसको आप लोग उसकी एक तरह का बैटरी बैकअप बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर एडवांस सेटिंग पे जाना है, आपके सामने लिखा हुआ होगा। एडवांस सेटिंग पे आपने क्लिक करना है तो यहाँ पर आपके सामने पहले ही ऑप्शन आएगा, पावर सेव, शॉर्ट वाईफाई कवरेज, बेस्ट बैटरी लाइफ, मीडियम वाईफाई कवरेज, लॉन्ग वाईफाई कवरेज। अब मैंने लॉन्ग पे क्लिक किया हुआ है क्योंकि मेरे यहाँ पे सिग्नल का इशू है। तो अगर आप लोग के वहाँ पर बिल्कुल सही सिग्नल आते हैं तो आप लोग शॉर्ट वाईफाई कवरेज पे क्लिक करें और यहाँ पर अप्लाई करें तो आप लोग की जो ये ख़ुद बता रहे हैं कि बेस्ट बैटरी लाइफ, यानी अगर मेरे यहाँ पर 2 घंटे चलती है तो आपके वहाँ पर क्या पता 6 घंटे चले या 5 घंटे चले। ठीक है, तो इतनी छोटी सी वीडियो थी, बस मैंने आपको बताना चाह रहा था क्योंकि मुझे अभी पता चला है तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई है। सो दोस्तों, देखा आप लोगों ने, मैंने आपको बताया किस तरीके से आप लोगों ने जो बैटरी है आपकी वो चार्जिंग की उसको किस तरीके से आप लोगों ने ज़्यादा टाइम तक चलाना है। तो भाई ये उन इलाकों के लिए जहाँ पर आपके घर पे सिग्नल आते हैं और करीब ही बहुत अच्छे यूफोन के सिग्नल आते हैं, टावर लगे हुए, तो आप लोग उसको उस मोड पे सेलेक्ट कर दें ताकि आप लोग अगर 2 घंटे ड्राइव चलती है तो आपके पास 5 घंटे चले। तो हमारे यहाँ पे जो सिग्नल का इशू है तो हमें लॉन्ग रेंज पे ही करना पड़ता है। तो आप लोग के वहाँ पे अगर सिग्नल इशू नहीं है तो आप लोग स्मॉल रेंज पे ही करेंगे ताकि आप लोगों को बैटरी बैकअप ज़्यादा मिले। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करेगा, कमेंट करेगा, शेयर करेगा और भाई को सपोर्ट करेगा। चलिए दोबारा मुलाकात होगी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।